गुड मॉर्निंग क्लास नाइन स्टूडेंट्स वी हैव कम्प्लीटेड अवर फर्स्ट चैप्टर ओके दैट इज़ ऑल अबाउट मैटर नाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकेंड चैप्टर दैट इज इज मैटर अराउंड अस प्योर ओके सो स्टूडेंट्स फर्स्टली लेट मी टेल यू अबाउट दैट दिस इज योर इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर अबाउट द चैप्टर ओके सो स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर में जैसे कि हमने पढ़ा था मैटर के बारे में

से स्टूडेंट्स आपके जो डेली फूड आइटम्स होते हैं ओके फूड कंजप्शन होते हैं डेली जैसे सॉल्ट है यहाँ पे लिखा है प्योर घी प्योर मिल्क सो स्टूडेंट्स नाउ हाउ डू वी जज वेदर मिल्क घी बटर सॉल्ट स्पाइसेस, मिनरल वाटर जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट इज प्योर हम कैसे कह सकते हैं कि जो हम ये जो आइटम्स है फूड आइटम्स है जो हम मार्केट से खरीदते हैं ये प्योर है तो आप क्या बोलेंगे वही प्योर मीन्स क्या होता है हैविंग नो एडल्ट्रेशन जिसमें मिलावट ना हो तो यानी कि अगर मिलावट नहीं है तो ये प्योर है और अगर मिलावट है तो ये प्योर नहीं है राइट सो चलिए हम अपना यही जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर करते हैं अबाउट प्योरिटी बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट केमिस्ट्री ओके चलिए सो स्टूडेंट्स देखिए फोर अ कॉमन पर्सन जैसे मैंने आपको बता दिया है फोर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स क्या होता है हैविंग नो अडल्ट्रेशन जिसमें कोई मिलावट ना हो राइट बट फॉर अ साइंटिस्ट अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स बट एक साइंटिस्ट के लिए प्योर वर्ड क्या है कि उस पार के जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सिंगल टाइप्स के पार्टिकल्स होने चाहिए एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे जैस से आपको यहाँ पे मिल्क दिखाई दे रहा है बच्चों सी तो मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर फैट प्रोटीन्स एक्सेट्रा इसको हम कैसे समझेंगे देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि जो मिल्क आप ले रहे हैं क्या वो प्योर है तो आप बोलेंगे कि मार्केट का जो मिल्क आ रहा है उसके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है हो सकता है वो प्योर ना हो बट यस जो हम डायरेक्ट काउ से ले रहे हैं वो आपका प्योर है सो so, स्टूडेंट्स आपका जो वो वाला मिल्क है वो भी प्योर नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो आपका मिल्क है इट इज़ मिक्सचर ऑफ वाटर उसमें वाटर भी है उसमें फैट भी है उसमें प्रोटीन्स भी है तो यानी कि हम उस मिल्क को भी प्योर नहीं कह सकते राइट तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हुई है कि प्योर हम सिर्फ किस चीज़ों को बोलेंगे किन सब्सटेंसेस को बोलेंगे जो आपके सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं ओके अगर जो पार्टिकल्स आपके सिंगल टाइप्स के अगर जो सब्सटेंसेस आपके सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर नहीं बने होंगे उनको हम बोलते हैं मिक्सचर जैसे कि यहाँ पे मिल्क के लिए क्या लिख रखा है ये भी क्या है मिक्सचर है राइट right. जैसे बच्चों अगर हम बात करें कि और भी सब्सटेंसेस है ओके एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं राइट right. कि ये प्योर है या नहीं है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्योरिटी को आप बोलेंगे अगर वो सब्सटेंस आपके सिंगल टाइप्स के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ दैट मीन्स वो क्या है प्योर है तो आफ्टर दिस लेक्चर एंड आफ्टर दिस चैप्टर आप लोग इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो हम क्या कर रहे होंगे स्टूडेंट्स अपने अराउंड में प्योरिटी को ही आइडेंटिफाई करते रहेंगे ओके okay? कि न, कौन से सब्सटैंसेज uh, होंगे जो सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिल बने होंगे राइट सिंगल टाइप के पार्टिकल्स के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जैसे आपके जो एलिमेंट्स uh, होते हैं जैसे गोल्ड हो गया सिल्वर हो गया तो बच्चों ये क्या होता है आपके सेम काइंड ऑफ आर्टिकल से मिलकर बने होते हैं इसलिए हम उनको प्योर कहते हैं सो वेल दिस इज योर इंट्रोडक्टरी लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग मोर एंड मोर अबाउट द चैप्टर इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स ओके बाद में हम और भी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर ओके